हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने चल रहे हैं सेंटेंस के बारे में. व्हाट इज द सेंटेंस? तो सेंटेंस, अगर हम इसकी हिंदी के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है वाक्य. सेंटेंस के जानने से पहले हम दो चीजें जानते हैं, क्या होता है लेटर. आप जानते हैं लेटर एक वर्ड होता है, फिर उसके बाद बनता है वर्ड. वर्ड की अगर बात करें तो इसी लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है वर्ड, लेकिन जिसका कोई ना कोई एक सेंस नहीं है, जिसकी एक मीनिंग हो. जैसे राम, अगर हम ए एम आर लिख दें, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन कैसे कोई मीनिंग है? नहीं मीनिंग है. इसलिए ये वर्ड नहीं है, लेकिन ये क्या है? वर्ड है, क्योंकि इसकी एक सेंस है, इसका एक मतलब है. तो इसी तरीके से, जिस तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब हुआ आपका वर्ड, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होगा क्या आपके यहाँ पे सेंटेंस. तो अगर सेंटेंस की डेफिनेशन लिखना चाहें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लेकिन इसमें एक चीज आपको और ध्यान देना, जब तक यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकला तब तक ये वर्ड नहीं बना. उसी तरीके से जब यहाँ पे किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा, तो वो सेंटेंस नहीं होगा. इसलिए यहाँ पर आगे जोड़ना क्या जरूरी है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग, विच हैव सम मीनिंग, जिसका कोई मतलब हो. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पे बात करें तो, जैसे श्याम इज ए गुड बॉय. अब देखिए यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ और इसका एक मतलब भी है, यानी कि क्या श्याम एक अच्छा लड़का है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिखते, वाय इज श्याम गुड, तो इसका कोई मतलब नहीं है. ये वाय इज श्याम, इसका कोई मीनिंग नहीं है. इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है. तो अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन पे जाएं केवल, तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग. इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है? उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक सेंटेंस हो जाएगा. उसके बाद सेंटेंस की कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं. सेंटेंस की क्वालिटी क्या होती है? सेंटेंस का हमेशा पहला वर्ड का पहला लेटर, सेंटेंस का हमेशा पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए. सेंटेंस के आगे कई सारे मार्क्स बनते हैं. सेंटेंस खत्म होने पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन. जब हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे तो अलग अलग मार्क्स के बारे में बतानी है. लेकिन जो सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन होती है, उसमें पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके लास्ट में जब जहां पर सेंटेंस खत्म हो तो एक मार्क आना चाहिए. ये सब सेंटेंस की क्वालिटीज है. और एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा होना चाहिए. जैसे ये सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए. आगे बात करते हैं हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स में. सेंटेंस के अगर पार्ट्स की बात की जाए तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पार्ट्स और टाइप्स एक ही चीज समझते हैं, लेकिन सेंटेंस का पार्ट्स अलग है, उसके टाइप्स के बारे में हम आगे या अगली वीडियो या अगली क्लास में पढ़ेंगे. अभी हम जानते हैं सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं. तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट. अब बात आती है कि किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में वो बातें बताई जा रही है. सेंटेंस में किसके बारे में बात बताई जा रही है? दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं, द काउ इज ग्रेजिंग द ग्रास. अब इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड आ रहा है जिसके बारे में बात की जा रही है? तो यहां पर इसका मतलब क्या है? गाय घास चर रही है, तो इसके बारे में बात हो रही है, गाय के बारे में बात हो रही है. तो ये मतलब द काउ क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. द काउ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. अब सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीजें बचती हैं वो सारी चीजें क्या हो जाती है?
प्रेडिकेट हो जाती है। वो सारी चीजें क्या हो जाती है, प्रेडिकेट हो जाती है। प्रेडिकेट के बारे में अगर बात की जाए तो यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है, सब्जेक्ट अभी तक तो हमने सब्जेक्ट क्या समझा कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसका सब्जेक्ट, आज सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें बताई जा रही है वो सारी चीजें क्या हो जाती है, प्रेडिकेट हो जाती है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट पहचान लेते हैं तो सब्जेक्ट में छोड़ कर जितनी भी चीजें होती है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया अगर लेना चाहें तो तत्काल हो गया, और प्रेडिकेट क्या हो गया यहाँ पे आपका इज ग्रेजिंग द्रास के, पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब जैसे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, दूसरा एक कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर द लिटिल बॉय क्राइंग, द लिटिल बॉय क्राइंग, छोटे बच्चे रोते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि केवल और केवल बॉयज सब्जेक्ट है और ये सारी चीजें प्रेडिकेट है, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट हमने क्या कहा, सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में बातें बताई जा रही है। यहाँ पर बॉय केवल सब्जेक्ट नहीं है, उस बॉय के बारे में ही ये बताया जा रहा है कि बॉय कैसा है, वो लड़के कैसे हैं, छोटे हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पार्ट जो बचा आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि प्रेडिकेट हमेशा तीन चार दो वर्ड हो और सब्जेक्ट सिंगल या डबल वर्ड हो। सब्जेक्ट का मतलब केवल आपको इतना पहचानना है जिसके बारे में बात बताई जा रही होगी वो सब्जेक्ट होगा, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होगी, प्रेडिकेट होगी। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, यहां पर हैव यू रेड द बुक। अभी किस प्रकार का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सीख रहे हैं। हैव यू रीड द बुक, अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमेशा जो पहला वर्ड आएगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको बता देंगे ये सब्जेक्ट है, बाकी सारी चीजें प्रेडिकेट है। लेकिन नहीं, फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्या तुमने किताब पढ़ लिया, तो किसके बारे में बात हो रही है, तुमने के बारे में, तुम्हारे बारे में। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हम हमेशा किसी भी ऐसे रूल को नहीं फॉलो करेंगे कि पहला जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, या पहले जो दो वर्ड्स होते हैं क्या वही सब्जेक्ट हो जाएगा। हमेशा हम डेफिनेशन से जाएंगे। डेफिनेशन क्या करती है कि जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो सब्जेक्ट, और जिसके उस बारे में जो चीजें बताई जा रही होंगी वो क्या होगा, प्रेडिकेट। यानी कि यू रीड द बुक, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि तुमने किताब पढ़ लिया, तो किताब को उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि किताब पढ़ रहा है या किताब पढ़ लिया, तो बाकी सारी चीजें क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गए। ठीक है, समझ में आया। यानी कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग। एग्जांपल के तौर पर श्याम इज ए गुड बॉय, ए बॉय इज श्याम गुड, इट इज नॉट सेंटेंस। उसके बाद हम बात करने बात किया कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें बताई जाए, अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इज इट ओके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है आप अपने ग्रुप पर लिख कर डाल सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।